الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. दोस्तों और बुज़ुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस आदमी को तुम देखो कि वो मस्जिद में कसरत से आमद रफ्त करता है तो तुम उस आदमी के बारे में उसके मोमिन होने की और उसके मुसलमान होने की गवाही दो। दूसरे अल्फाज में ये मतलब बयान कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी कसरत से मस्जिद में नहीं आता तो तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम ऐसे शख्स के बारे में मुसलमान और मोमिन होने की गवाही दो। यानी ऐसा शख्स गवाही देने के लायक नहीं है कि आदमी मुसलमान है मोमिन है। कसरत से मस्जिद में आने का मतलब क्या है? बस यही, पांच वक्त नमाज मस्जिद में आकर वो पढ़ लेता है तो मोमिन होने की गवाही दो। इससे मालूम हो गया कि अगर कोई आदमी नमाज तो पढ़ता है मगर घर में पढ़ लेता है, जमात में शरीक होकर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो उसके बारे में भी मोमिन होने की और मुसलमान होने की गवाही नहीं देंगे। मस्जिदी वो शख्स है, वो मस्जिदी वो जगह है कि जिसमें मोमिन आता है, वरना घरों में तो हर कोई नमाज पढ़ सकता है। गैर मुस्लिम भी घरों के अंदर क्या है कि मूर्तियाँ रखकर पूजा करते रहते हैं, मगर हमारी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की जगह अगर कोई चीज़ है तो मस्जिद है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ने आता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ये मोमिन बंदा है, ये मुसलमान है। इसी वजह से दूसरे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इस्लाम लिमन ला सलात लहू, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान ही नहीं है। हदीस है, किताब में लिखी हुई है, अपनी जेब से बयान नहीं करता हूँ। लिहाजा वो मुसलमान ही नहीं है। अब जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से गैर मुस्लिम हो और मुसलमान साबित न होता हो तो उसके दिल में क्या ईमान, क्या इस्लाम, उसके दिल में अल्लाह के हकाम की क्या इज़्ज़त, उसके दिल में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान की क्या वैल्यू? कुछ नहीं। इसलिए मुसलमान नाम होने के बावजूद, मुसलमान कहलाने के बावजूद हमारे दिल अल्लाह की अजमत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से, अल्लाह के अहकाम की एहतराम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की वैल्यू से खाली है। न हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत है, न हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास है, न आपके फरमान की वैल्यू है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों का कोई लिहाज है। हम चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहे हैं, और अल्लाह के अहकाम पर अमल ना करें, चलो अमल नहीं कर रहा है, मगर अमल इस अंदाज से नहीं करते हैं, इस अंदाज से अमल नहीं करते हैं गोया इन अहकाम की हमारे निगाह में कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे वो देखते रहते हैं तौहीन के साथ, तज़लील के साथ, बेइज्जती के साथ, और क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकाम की नाफरमानी, उसकी बेइज्जती के साथ, उसके तौहीन के साथ अगर कोई करता है तो आप दिल पर हाथ करके दीजिए, वो मुसलमान है नहीं, मुसलमान नहीं रहता। बेइज्जती तो दूर की बात है, तौहीन तो दूर की बात है। एक मिसवाक है, मिसवाक अगर इसका भी मजाक उड़ा लेंगे, सुन ले बराबर, मांगते हैं मिसवाक सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम मिसवाक खुद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी मजाक कर लिया उस मिसवाक का, क्या घिसते रहते हो? ईमान खतरे में है, यकीन से कहता हूं मैं, जो चीज़ें अल्लाह से, जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित होकर हम तक पहुंची है, हाँ जिन चीज़ों के पहुंचने में शक है उसको छोड़ दो, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह का हुक्म है, जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसका मजाक उड़ाना उलमा ने साफ तौर पर कुफ्र लिखा है। कुरान की आयत से मालूम होता है, उलमा की बात छोड़ो ना, ला तअ्तज़िरू कद कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, अरे काफिर होने के बाद तुम माजरत करते हो, ये एक आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गज़वाए तबूक के मौके पर नाजिल हुई थी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि आप गज़वा में गए थे, तबूक में जो 1000 किलोमीटर दूर है मदीना मुनव्वरा से, एक महीने का सफ़र था, गर्मी का मौसम था, इसमें 2-4 मुनाफिकीन भी बल्कि ज़्यादा थे, वो भी शामिल हो गए थे, मुनाफिकीन जो अपने आप को ज़ाहिर में मुसलमान कहता है अंदर से कुफ्र रखता है। अब ज़ाहिर में मुसलमान क्यों कहता है? इसलिए कि उनको यह डर था कि अगर हम काफ़ी कुफ्र ज़ाहिर कर देंगे तो हमारे साथ जिहाद होगा, हम मारे जाएंगे, तो मुसलमानों के हाथों से बचने के वास्ते वो ईमान का इजहार करते थे, मगर अंदर से क्या थे? काफिर। अब वो सफ़र में थे तो मुनाफिकीन का टोला, वो आपस में बैठते थे उठते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके सिलसिले में मजाक उड़ाते थे कि देखो ना घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है और जा रहे हैं तबुक में लड़ने के वास्ते, घर में खाने पीने का, हम भी बोलते हाँ रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाना पीना ना हो, बस बोलते हैं मुसलमान हमारे, क्या ईमान रहेगा उसका? हाँ तो उसने कहा कि घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है और देखो ना तबुक जा रहे हैं जिहाद करने के वास्ते, और मौका भी ऐसा था, हाल भी ऐसा था, और कैसा हाल था, उस सफ़र में पानी ख़त्म हो गया था, पीने का पानी नहीं था, तो ऊँट काट काट कर उसके उसके होश में से पानी निकाल कर पानी पी रहे थे,
मगर अगर इस तरह ऊँट काट कर पानी पीते रहेंगे तो ऊँट खत्म हो जाएंगे, सफ़र किस तरह करेंगे। इसलिए ऊँट काटना बंद कर दिया। अब जो ऊँट लीड करता था, क्या सुन लो, ऊँट लीड करता था, उस लीड को निचोड़ निचोड़ कर जो पानी निकलता था वो पानी पीते थे। ये हमारे दीन के खातिर इन हजरात ने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते थे कि घर में खाने पीने, इसलिए कहा कि घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है और तबुक लेने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तला दे दी कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो जिन लोगों ने बातें की थी उनके नाम भी आ गए, उनको बुलाया कि तुम क्या कर रहे थे। तो कहा अल्लाह के रसूल, हम तो बस और टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि सफ़र है, कोई बातें बातें करते रहे तो रास्ता निकल जाएगा, पास हो जाएगा, हमारा कोई मकसद नहीं था। अल्लाह तो हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह कहते हुज़ूर को, कुल अबिल्लाह व आयाती कुंतुम तस्ताजून, अबिल्लाह व आयाती व रसूल ही कुंतुम तस्ताजून, तुम अल्लाह की आयतों के साथ और अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ मजाक कर रहे थे। ला तअतज़िरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम तो काफिर हो चुके, अब काफिर होने के बाद माजरत मत करो, खत्म हो गया, जाओ। तो अल्लाह के वह अहकाम और नबी के वह अहकाम कि जिसका मजाक उड़ाया जाए उससे आदमी क्या बन जाता है, काफिर। और हमारा हक तो क्या है, हम अल्लाह के अहकाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ते हैं बेइज्जती के साथ, तोहीन के साथ। अरे उससे क्या होता है, करते रहो, उससे क्या होता है। ये कब बोलते हैं, जबकि आदमी उस चीज़ को हकीर समझता हो। एक तो अहकाम पर अमल न करना मगर दिल में अजमत है, ईमान बाकी है, मगर अहकाम पर अमल न करें लेकिन तोहीन के साथ, उसकी तस्बीर के साथ, उसकी बेइज्जती के साथ, सुन लो यकीनन वो आदमी मोमिन बाकी नहीं रहता। बताओ हमारे मुआशरे में कितने मोमिन है भाई, अगर ढूंढने निकलोगे ना दो चार मुश्किल मिलेंगे, जो अल्लाह के हकाम के साथ बेइज्जती नहीं करते हैं, नबी के तरीकों के साथ बेइज्जती नहीं करते हैं, उसकी तौहीन नहीं करते हैं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। वरना हम तो चलते फिरते, हमारी जबान बेलगाम है, बेझक बोल देते हैं, अरे रहने दो यार, तो पुरानी बातें हैं, बस खत्म हो गया, इतना बोल दिया ना, अरे रहने दो यार पुरानी बातें हैं, आपका ईमान खतरे में हो गया है। कलमा पढ़ो, निकाह करो दोबारा, और निकाह भी नहीं करते, ऐसे कुफरिया बातें बोल बोलकर निकाह भी नहीं करते। तो औलाद क्या आ रही है, सुन लो सब, औलाद क्या आ रही है, हलाली नहीं है, निकाह खत्म हो गया। अब जो हो रहा है जिना हो रहा है, पूछो, मैं अपनी जेब से एक बात की बयान करता हूँ, मैं भी वहाँ जामिया हुसैन रामदेर में इफ्ता क्लास का मुफ्ती हूँ, मैं फतवा देता हूँ और ये बातें बयान कर रहा हूँ। कोई हल्का फुल्का ऐसा बोल भी नहीं है कि भाई तो बयान करता गया होगा, हमको तो बड़ा एहतियात से देखना पड़ता है, बड़ी एहतियात से बोलना पड़ता है। ये जो बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के हकाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करो करो, मगर मुखालफत की नीयत के साथ नहीं, बेइज्जती के साथ नहीं, तौहीन के साथ नहीं, उसकी जिल्लत करने के साथ नहीं। अगर इसके साथ करोगे, उसके बारे में हल्के फुल्के जुमले बोलोगे, उसके बारे में घटिया जुमले बोलोगे, तो हम ईमान से निकल जाएंगे, हम ईमान से निकल जाएंगे। चाहे इस रजिस्टर में, सरकारी रजिस्टरों में नाम मुसलमानों में है, मगर अल्लाह के रजिस्टर में हमारा नाम कहाँ होगा, गैर मुस्लिमों में। बड़ी एहतियात की बात है, लिहाजा चाहिए कि हम मस्जिद का एहतराम करें, अल्लाह के अहकाम का एहतराम करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का एहतराम करें, मस्जिद को आबाद करो। हमारी मस्जिद आबाद किससे होती है, नमाजों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दिया अभी कि जो आदमी मस्जिद में बाजमात आकर नमाज पढ़ता है तो उसके मोमिन होने की गवाही दो,
या मुसलमान है और मस्जिद में आकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ता तो उसके मुसलमान होने की गवाही मत दो। हमको तो समझते नहीं नमाज को, कोई वैल्यू ही नहीं। हाँ वो तो मौली लोगों के वास्ते है, हमारे वास्ते नहीं। तो जन्नत भी मौलियों वास्ते हैं, आपके वास्ते होगी? फिर सोच लो, अगर वो जुमला मौलियों के से बोलते हो वहाँ के वास्ते है, तो यहाँ के वास्ते भी सोचो, और यहाँ के वास्ते बोलते हैं वहाँ के वास्ते भी सोचो। बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, मस्जिदों को आबाद करो, उसको वीरान मत करो। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर। मस्जिदों को तो आबाद वही करते हैं। हाँ, इन्नमा ये अरबी लगत का, अरबी जबान का एक लफ्ज़ है जिसके माने आता है एकदम पक्की बात बयान करना हो तो इन नमा शुरू में लाते हैं। इन नमा यामुरु, मस्जिदों को आबाद तो वही करते हैं जिनको अल्लाह पर और जिनको कयामत पर ईमान है। समझ लगवा निकला, जिसको अल्लाह पर और कयामत पर ईमान नहीं है वह मस्जिदों को आबाद नहीं करते। और इसी आयत की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता हो उसके मोमिन होने की गवाही दो इस आयत की वजह से, और जो मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं पढ़ता तो उसके मोमिन होने की और उसके मुसलमान होने की गवाही तुम मत दो। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। वह अकाम सला, नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह ही से डरते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं। और अल्लाह के खौफ रखने का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए जो हुक्म बयान कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके जो हुक्म बयान कर दिया उस हुक्म पर अमल करने को तैयार रहते हैं। लिहाजा मसाजिद को आबाद रखना ये मोमिन होने की सबसे बड़ी दलील है, और मसाजिद को वीरान करना ये गैर मोमिन होने की, गैर मुस्लिम होने की सबसे बड़ी दलील है। हम अपने आप को खुद अपने किरदार से गैर मुस्लिम होना बता रहे हैं, हम अपने आप को खुद अपने किरदार से ये बता रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि मस्जिद में आते नहीं है, यहाँ आकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह का याद नहीं करते, तो फिर हम कैसे मुसलमान होंगे? हमारे बारे में कौन गवाही देगा मुसलमान? और सीधी बात है, जो नमाज पढ़ता है ना, अगर दाढ़ी नहीं भी हो फिर भी उसके चेहरे पर नमाज का एक नूर होता है, और ख़ास तौर पर जो पाबंद होता है ना तो उसकी पेशानी पर यह निशान पड़ जाता है, हर आदमी गवाही दे देगा ये मोमिन है। लेकिन जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पर नमाज का नूर नहीं है, उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं है, तो कौन कहेगा मुसलमान? एक दाढ़ी मंदा मुस्लिम और एक दाढ़ी मंदा गैर मुस्लिम, इन दोनों को खड़े कर दो, पूछो किसी को, अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो पूछो ये मुसलमान कौन है गैर मुस्लिम कौन है, नहीं बता पाएगा, मगर नमाज पढ़ता होगा तो उसके चेहरे पर ज़रूर नमाज का नूर होगा, चाहे दाढ़ी रखी नहीं है मगर चेहरा कह देगा कि नमाजी का चेहरा है, हर आदमी गवाही दे सकेगा ये मोमिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दिए कि कुफ्र और ईमान में अगर फ़र्क करने वाली चीज़ है तो नमाजी, नमाज के अलावा कोई चीज़ नहीं है। रोज़ा अगर हम रखते हैं तो अपवास वो भी करते हैं, हज हम करते हैं यात्रा वो भी करते हैं, ज़कात हम देते हैं तो दान वो भी देते हैं, सब कुछ वो करते हैं, मगर नमाज हम पढ़ते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। फ़र्क मुसलमान में और फ़र्क काफिर में, नमाज ही करने वाला है। जो सबसे बड़ी चीज़ काफिर और मोमिन में फ़र्क करने वाली चीज़ थी, आज उम्मत ने उसका सत्यानाश कर दिया है, आज उम्मत ने सत्यानाश कर दिया। क्या कहें, हमको कहना पड़ता है क्या बात, हमारे उलमा भी ऐसे हैं, दावत तबलीग के साथी बास भी ऐसे हैं,
दीन का काम लेकर बैठने वाले हम भी दीन का काम लेकर बैठे, हमारे अंदर भी ऐसे हैं और दावत का काम करने वाले भी ऐसे हैं, उनके अंदर भी कि नमाज का ठिकाना नहीं है। हमने 9 साल मदारिस में लगा दिए और दावत के साथियों ने चिल्ले 4 महीने साल दो कितने साल लगा दिए, मगर नमाज से आज भी बेफिक्र हैं, बेफिक्र हैं। सुन ले, एक हदीस सुनाई जाती है खास तौर पर हमारा नाम लेकर, आलिम को डबल अजाब होगा। क्या होगा? आलिम को डबल अजाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन से मदरसे थे जहाँ से फारिग आकर लोग आलिम बनते हो, जहाँ से फारिग होकर लोग आलिम बनते हो, ऐसे मदरसे थे? तो उस ज़माने में इस हदीस पर अमल था कि नहीं था? कोई ना, मतलब तो होगा ना। तो आलिम कौन है? आलिम का माना कर लो, तर्जुमा कर लो, आलिम जो दूसरों लोगों का कहा जाता है वो आलिम मुराद नहीं है। आलिम के माने जानने वाला। क्या? आलिम के माने जानने वाला। जाहिल के माने न जानने वाला, लेकिन किसी को बोलना मत जाहिल, बाकी मारेगा कोई। इसलिए कहा जाहिल गाली हो गया। मैंने जाहिल का मानना खाली इतना, तर्जुमा खाली इतना है, न जानने वाला, बस। तो हम जानने वाले सब कुछ है, मैं भी जाहिल हूँ, सच्ची बात है। इसलिए जितना मालूम है इससे ज़्यादा हमको मालूम नहीं है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा भी आलिम आ जाए, फिर भी जितना उसको मालूम है इससे ज़्यादा चीज़ें उसको मालूम नहीं है। तो क्या हुआ? वो जाहिल ही हुआ। ये जाहिल तो मैं भी है, लेकिन लोगों को गाली लगती है जाहिल कहने से। हालांकि उसका तर्जुमा खाली इतना है, ट्रांसलेट माना, न जानने वाला। तो हम जो जानने वाले ही नहीं। तो आलिम मतलब जानने वाला। हमने ये जान लिया कि हम पर नमाज फ़र्ज है, हम आलिम बन गए। हमने ये जान लिया कि तिजारत के फुला आकाम है, खेती के फुला आकाम है, नौकरी के फुला आकाम है, हम जानने वाले हो गए। नौकरी में वक्त की पाबंदी करना चाहिए, ये हम जानते हैं, मगर वहाँ डंडी मारते हैं, डबल अजाब होगा। समझ लो, आलिम से मुराद ये मदरसे में पढ़कर आने वाला आलिम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर आलिम से माना है जानने वाला। लिहाजा मसाजिद की भी अहकाम है, मसाजिद की भी अहकाम है। अगर उसका जानना भी क्या है कि बस ज़रूरी टाइम दूसरे बातों में निकल गया, बातें दूसरी बयान करनी थी मुझे। हाँ, मस्जिद के अहकाम भी, मस्जिद वक्फ है। क्या है? मस्जिद वक्फ है। ये तो वक्फ है ही। कभी मस्जिद के नाम पर मकान वक्फ होते हैं, कभी मस्जिद के नाम पर दुकानें वक्फ होती हैं। इसके भी अहकाम है, इसके भी अहकाम है। आज मुसलमान मस्जिदों के मकान को चोर चोर कर और मस्जिदों की दुकानों को चोर चोर कर बैठे हैं। 50 साल से एक मस्जिद किराए पर चलती है 2 रुपये में, वो बेशरम आज भी 2 रुपया दे रहा है। 100 रुपये में चलती है तो आज भी 100 रुपये दे रहा है। 300 में चलती है आज भी 300 दे रहा है। सुन ले बराबर कान खोल कर, अगर किसी दुकान और किसी मकान का 1 साल का एग्रीमेंट हुआ, वक्फ की एक दुकान का 1 साल के वास्ते एग्रीमेंट हुआ, भाई क्या भाड़ा देंगे? मान लो 1,000। 6 महीने में भाड़ा बढ़ गया, 6 महीने में भाड़ा बढ़ गया। किताब है शामी, नाम सुना होगा, फतवा की बड़ी किताब है शामी। दुनिया में कोई भी मुफ्ती शामी को देखे बगैर फतवा नहीं देता आमतौर पर। हाँ, शामी, उसमें लिखा है कि अगर 6 महीने में भाड़ा बढ़ गया तो उसको दूसरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मसलन 1500 हो गया, 500 बढ़ गया, तो आपको दूसरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 6 महीने पहले जो किया था ना वो कैंसिल। अगर नहीं किया और आप 1 साल तक 1,000 देते रहे तो 6 महीने के बाद 500 आपने हराम के रखे हैं। सुन ले फतवा, पूछ लीजिए किसी को। हम तो फतवा देने के तो बैठे ही, फतवा देते हैं हम तो, दुरुस्त नहीं है। तो जो आदमी आज से 30 साल में जिसे दुकान ली हो 100 रुपये में और अब तक 100 रुपये देता आ रहा है और आज उसे किराया कितना हो गया? 10,000। तो 9,900
हराम का खा रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम मस्जिद के हमको बताए हैं, हमारे जेब से बयान नहीं करते। अगर इन दुकान वालों को, इन मकान वालों को अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं, तो मस्जिदों का माल न खाओ, मस्जिदों का माल न खाओ। आज बेचारे मस्जिद वाले इमाम को कहाँ से तनख्वाह दे रहे, कहाँ से दे रहे? दुकान दबा कर बैठे, पूरा किराया देंगे, इमाम की तनख्वाह अच्छी होगी, मस्जिद को अच्छा मिलेगा, मस्जिद के अखराजात निकल जाएंगे, मगर दबा कर बैठ कर कयामत को अल्लाह के हिसाब क्या देंगे? इन्नमा यअमुर मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अगर आपको और हमको कयामत के दिन पर ईमान है, तो मस्जिद की दुकानों, मस्जिद के मकानों का किराया पूरा दो, वरना कयामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। और आज तो अजीब है, जिसको किराए पर दिया वो तो कहाँ गया पता भी नहीं है, बेटा भाड़ा चलता है, खुद ने मकान बना लिया और मस्जिद का मकान किराए पर दे, खुद वहां रहता है, इसका किराया वसूल करता है। अरे क्या हराम खोरी है भाई! अगर आपने मकान बना लिया तो मस्जिद का मकान खाली करके मस्जिद को दो, दूसरों को किराए पर देकर आप किराया खाते हो, ये कहां जायज है? किसी मुफ्ती को पूछो, और ये मुफ्ती अपनी जेब से बयान नहीं करता, अल्लाह का हुक्म बयान करता है, अल्लाह के रसूल का हुक्म बयान करता है। कयामत को हिसाब देना पड़ेगा। और हम इसलिए बोलते हैं कि कोई ये नहीं कह दे कि हमारी मस्जिद में बहुत से बोले आते थे, कभी ऐसा मसला बताया ही नहीं, कहना पड़ता है। इसलिए कि आवाम का अजीब हाल है, यहां बोलेंगे तो यहां गालियां देंगे, और यहां नहीं बोलेंगे तो वहां पकड़ेंगे, अल्लाह बताया नहीं था तो हमको तो वहां से छूटना है ना, यहां कुछ करना हो कर लो, हमें क्या पड़ी है, मगर हमको वहां से छूटना है, क्योंकि हम पर दावा ना करें कि बहुत मौलवी आते थे, मगर कभी ने ऐसा मसला बताया नहीं। आज बता देता हूं, वक्फ की दुकान का वही किराया दो जो बाजार में चलता है, अपने घर का किराया नहीं चलेगा। अगर बाजार की कीमत से कम दे रहे हैं, तो जितना कम दे रहे हैं, इसकी पकड़ कर कयामत के दिन जरूर अल्लाह करेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। ये भी बंदे का हक है, क्या है? बंदे जिसने वक्फ किया है ना, उसी का हक है, उसी का हक है। तुम उसकी उसकी दुकान को मार, उसके मकान को मार कर बैठे हो। अल्लाह ताला हमको अपने अहकाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल पर, अफाल पर कामिल तौर पर अमल की तौफीक दे। अब कोई ये ना कह दे, देखो अपने ईमान बचाना, कोई ये नहीं कह दे कि ऐसे हकम देखे, नहीं, अमल ना करना मत करना, मगर कोई आदमी इसके खिलाफ कोई ना बोल दे कि ये कैसा, वरना अपने ईमान सलामत नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक से फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।